हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक। आज के इस वीडियो लेक्चर में कोरोना वायरस के वैक्सीन के ट्रायल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग यह भी जानने वाले हैं यह कितना समय लगेगा और कब तक ये वैक्सीन तैयार हो सकता है और किस तरह से वैक्सीन के ट्रायल को शुरू किए जाते हैं। इन सभी तमाम बातों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल USA के सेटल सिटी में किया जा रहा है। सेटल सिटी में एक महिला रहती हैं जिन पर यह वैक्सीन को टेस्ट करके देखा जा रहा है। अब आते हैं कि इस वैक्सीन को कौन डेवलप कर रहा है। तो आपको बता देते हैं कि NIAID जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टिव डिजीज जो एक गवर्नमेंट संस्था है USA की, वो और एक प्राइवेट कंपनी है जो कि मॉडर्ना टेक नाम से है, ये दोनों मिलकर इस कोरोना वायरस के वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। इस कोरोना वायरस के वैक्सीन का नाम है mRNA-1273। तो आइए जानते हैं इस कोरोना वायरस के वैक्सीन को देने पर क्या रिस्क है। तो हम बता दें कि इसको कोरोना वायरस के वैक्सीन को ट्रायल करने के दौरान इस पर कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो कोरोना वायरस 1 है उसके RNA को लेकर इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। जो कि यह वैक्सीन किसी पे ट्रायल किया जाता है तो उस महिला या पुरुष या बच्चे को किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। इस वैक्सीन को तैयार होने में ऑलमोस्ट 12 से 15 महीने तक लग सकता है। तो कोरोना वायरस के वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और इसके बारे में आपका क्या राय है और यह कब तक तैयार हो सकता है और होने में इससे कितना टाइम लगेगा, आप भी अपना कमेंट करके हमें बताएं ताकि मैं भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।